बिसमिल्ल रमन रहीम आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लाग में आपको खुश आमदी आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए बहुत ही अहम है एंड तक वीडियो को देखिएगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले नाजरीन कुदरत ने हमारे लिए बहुत सारी नबाता उतारी इंसान को बनाने से पहले कुदरत ने पहले नबत्त बनाई ताकि जब इंसान आए तो इससे फ़ायदा उठाए छोटी छोटी सी चीज़ों में हमारे लिए इतने फ़ायदे हैं जो कि हम जानते भी नहीं और अगर जान जाएं तो हम हैरान हो जाएंगे कि इतने फ़ायदे इतनी छोटी सी चीज़ में तो आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत फ़ायदा मंद है आपके लिए कि अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है किसी भी किस्म की एलर्जी ख़ारिश हो जाती है जिसम पर या आ, कोई भी किस्म किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाती है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इस एलर्जी को हम किस तरह मिनटों में दूर कर सकते हैं बिल्कुल एक छोटी सी टिप से तो आपने साथ साथ रहना है एंड तक देखना है बहुत ही छोटा सा नुस्खा है आपके किचन में मौजूद होता है हर वक्त कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है तो धनिया जो होता है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा चीज़ है और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है स्पेशली इसकी रगों में जो है सब्ज़ धनिये की रगों में इसका जो जूस होता है वो पीने से ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है और ये जो है ये धनिया के बीज हैं ठीक है ये सबज़ धनिये के बीज हैं जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखें ये ये बीज हैं जो साबुत धनिया के बीज हैं ये जो कि सब्ज़ धनिया पैदा करते हैं इन बीजों में अल्लाह ताला ने अफादियत रखी है कि हम सोच भी नहीं सकते ये बीज अपने अंदर बहुत सारी खसूसियात समेटे हुए हैं खाने को तो मज़ेदार बनाते ही हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे हम एलर्जी को ख़त्म कर सकते हैं एक चमचा बड़ा खाने का एक चम्मच धनिया पीस लें और उसको एक गिलास पानी में घोल पी लें आप दो चम्मच भी यूज कर सकते हैं अपनी बीमारी के मुताबिक इन आपको अल्लाह ताला बहुत जल्द आराम दे देंगे बल्कि फ़ौर ही आराम दे देंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें हम उसकी नमतों का शुक्र तो अदा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह